हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आप देख रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में, जिनको हम आसियान के नाम से भी जानते हैं। ये एस्टेब्लिश कब हुआ? तो आसियान एस्टेब्लिश हुआ था 1967 में, बैंकॉक में डिक्लेरेशन हुआ था, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं या आसियान डिक्लेरेशन कहते हैं। उस टाइम पे इसके फाउंडिंग फादर्स जो थे वो फाइव कंट्रीज थे। फाइव कंट्रीज कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बाद में पांच और कंट्रीज ऐड हुए अलग अलग टाइम पे। पहले ऐड हुआ ब्रुनेई 1984 में, फिर ऐड हुआ वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में ऐड हुए, और कम्बोडिया लास्ट ऐड होने वाला कंट्री है जो 1999 में ऐड हुआ, जिससे आसियान ग्रुप कंप्लीट होता है। टोटल कितने मेंबर हो गए इसमें? 10 मेंबर। आसियान कहाँ पे, लोकेशन क्या है? तो आसियान एशिया में, एशिया ये आप देख पा रहे हो, एशिया में साउथ ईस्ट एशिया, मतलब साउथ मतलब नीचे वाला पोर्शन साउथ, और इधर वाला पोर्शन आपका हो गया ईस्ट। तो साउथ ईस्ट ये यहाँ के आसपास की कंट्रीज हो गई रफली, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहलाएंगी। ठीक है, अगर आप इंडिया के रेस्पेक्ट में आप देखो तो ये रहा अपना इनक्रेडिबल इंडिया, उसके रेस्पेक्ट में ये कंट्रीज जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मेंबर है। इनका मोटो क्या है? मोटो वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, मतलब ये एक आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, एक ही कम्युनिटी है ऐसा ये लोग मानते हैं, और इनका विजन भी एक ही है। अगर सारे कंट्रीज की अलग अलग बात करें तो ये म्यांमार की लोकेशन, फिर थाईलैंड की लोकेशन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। और सिंगापुर क्या है? ये छोटू सा कंट्री जो है वो क्या है? सिंगापुर है। ठीक है, आसियान का सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया में आता है, इंडोनेशिया के जाकर्ता में, जो कि इसका कैपिटल भी है। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है आसियान के? तो आसियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ अमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। वो कब साइन किया? 1976 में। इसी ट्रीटी पे बेस इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल है। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कहता है कि सारी कंट्रीज एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेगी, उसके इंडिपेंडेंस का रेस्पेक्ट करेगी, उसके सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करेगी, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रेस्पेक्ट करेगी, और उसका जो भी नेशनल आइडेंटिटी होगा उसका रेस्पेक्ट करेगी। हर कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि एवरी स्टेट, कोई भी स्टेट जो दसों के दसों स्टेट है, वो अपना नेशनल एग्जिस्टेंस को अपना बनाए रखने के लिए किसी भी कोएर्सन से फ्री है। कोई कंट्री एक दूसरे को उनको कोअर्स नहीं करेगा, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, ये सेकेंड हो गया। थर्ड, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर कहीं से नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर जो भी डिस्प्यूट इनके होंगे वो पीसफुल मैनर में एक दूसरे के साथ उसका समझौता सेटलमेंट किया जाएगा। पांचवा ये कहता है रिनंसिएशन ऑफ द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स। कोई एक दूसरे को धमकी नहीं देगा कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब मार दूंगा, मैं फलाना मिसाइल मार दूंगा, कोई भी थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स नहीं होगा। और सिक्स और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि सारे कंट्रीज में इफेक्टिव कोऑपरेशन रहेगा। तो ये इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं आसियान के। एम्स एंड पर्पस क्या है? कोई भी ग्रुप जब बनता है, कोई भी कोलेबोरेशन जब बनता है, उसका कुछ एम्स होता है और पर्पस होता है। तो पर्पस इसके भी बहुत सारे हैं। पहला पर्पस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, उस एरिया का, उस पूरे रीजन का इकोनॉमिक ग्रोथ कराना, सोशल प्रोग्रेस भी कराना, कल्चरल डेवलपमेंट कराना। तो ये सारे कंट्रीज एक दूसरे में मिलके इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट का ख्याल रखेंगे। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि पूरे रीजन में पीस, मतलब शांति और स्टेबिलिटी को बनाए रखेंगे। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो ये कहता है कि कैसे वर्ल्ड में पीस बहाल होगा, उन सबका ये लोग पालन करेंगे, एडहेरेंस करेंगे। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि सारे मुद्दों पे म्यूचुअल असिस्टेंस एक दूसरे कंट्री लेंगे, चाहे वो टेक्निकल मुद्दा हो, साइंटिफिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ट्रेनिंग और रिसर्च फैसिलिटी की भी जहां बात आती है, कोई भी कंट्री एक दूसरे को असिस्टेंस वहां पे प्रोवाइड करेगा। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि ये जो भी कंट्रीज हैं आसियान की, वो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने का काम करेंगे, जिससे कि वहां के लोग जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो, वो बढ़े, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रेज हो।
सिक्स पॉइंट ये कहता है कि साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज को प्रमोट किया जाएगा, जो भी इनके कल्चर से रिलेटेड, साइंटिफिक डेवलपमेंट, लैंग्वेज, उससे रिलेटेड जो भी स्टडीज है उनको उन कंट्रीज में प्रमोट किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो भी कंट्रीज हैं, जो भी आसियान ग्रुप है, वो सिमिलर ऐसे इंटरनेशनल ग्रुप के साथ या रीजनल ग्रुप के साथ कोलेबरेशन करेगा, कोऑपरेशन करेगा, जिससे कि फर्दर उनके जो भी डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेस में आ सके। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्री आसियान की। न्यूक्लियर फ्री आसियान, आसियान रीजन ने अपने में एक ट्रीटी साइन किया जहां पे न्यूक्लियर फ्री होने की बात कही कि पूरा का पूरा रीजन में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह की एक्टिविटीज ना रहे। ये ट्रीटी 1995 में साइन किया गया था, जिसको बोला गया था साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी। और ये ट्रीटी जब आया इफेक्ट में तो एक कंट्री को छोड़ के सब कंट्री ने इसको रेटिफाई कर दिया, और बाद में वो फिलीपींस वो कंट्री था जिसने उसको भी रेटिफाई कर दिया। तो ये जोन जो है पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन को बैन करता है, पूरे 10 कंट्रीज वाला जो एरिया है वहां न्यूक्लियर वेपन क्या है, बैन है। कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट वगैरह नहीं कर सकती है। बात करते हैं आसियान वे की। जो आसियान का तरीका है, काम करने का तरीका, उससे आसियान 1967 से लेकर के अब तक बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत प्रोग्रेस, बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लाइफ में लोगों के इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीजें देखने को मिली है। तो आसियान का कोई तरीका होगा, उसी को आसियान वे कहते हैं। आसियान वे क्या कहता है कि ऐसा मेथडोलॉजी और अप्रोच जिससे कि इशूज सॉल्व हो, और ये इशूज वो लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया का कल्चर है, कल्चरल नॉर्म्स है, उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। कल्चरल नॉर्म्स में क्या हो सकता है, एक ओबीडियंस हो सकता है। एशिया के कंट्रीज में ओबीडियंस लोगों में कूट कूट के भरा होता है, जो भी अथॉरिटी है उनके रिलेटेड। तो ऐसे कुछ कल्चरल नॉर्म्स फॉलो करके आसियान वे बना हुआ है, ठीक है। और आसियान वे क्या है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल तरीका, लिखित तरीका, ऐसे प्रोसेस वाला तरीका नहीं है, पर्सनल है। मतलब हर कंट्री के लिए अलग थोड़ा सा इनफॉर्मल वे पालन किया जाएगा, जिससे उस कंट्री का जो भी डिस्प्यूट है, प्रोसेस है, वो सारी चीजें दूर की जा सके। कॉम्प्रोमाइज पे, कंसेंसस पे, कंसल्टेशन पे आसियान वे बेस्ड है, जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो और कॉन्फ्लिक्ट का अच्छे से एड्रेस किया जा सके। क्वाइट डिप्लोमेसी की बात करते हैं आसियान वे में। क्वाइट डिप्लोमेसी मतलब चुपके से, शांतिपूर्ण तरीके से कंट्रीज एक दूसरे में, आसियान के कंट्रीज बात कर लें, और लोगों में ये डिस्कशन ना पहुंचे किसी कंट्री का, क्योंकि लोगों में कई बार अगर ओपिनियन पहुंचता है तो वो लोग कुछ ऐसी भी चीज रहती है तो उसका विरोध करने लग जाते हैं और डिप्लोमेसी पूरी तरह से काम नहीं कर पाती है। तो क्वाइट डिप्लोमेसी पे ये लोग जनरली काम करते हैं। ऐसा बोला गया है कि वर्ल्ड में भी जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए आसियान वे को यूज किया जा सकता है। बट इसके क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि आसियान वे जो है वो सिर्फ आसियान कंट्रीज पे ही अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि एशिया की कंट्रीज में वैसा कल्चर है, यूरोप की कंट्रीज में वैसा कल्चर नहीं है, तो यूरोप की कंट्री में ऐसा अप्लाई नहीं किया जा सकता, या बाकी जगह की कंट्रीज में ऐसा अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो आई होप आपको आसियान पूरा समझ में आया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद।